है, पीछे एक है, तो आगे ध्यान आ गया ना, उन्हीं को भेजना, बुला सको तो अभी बुला लो, दूर है। चलिए तो मित्रों, इस बातचीत में दो हिस्से बातचीत के, एक हिस्सा तो हमने पिछले 8.5 साल 9 साल में हरियाणा की सेवा करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है अपनी ओर से, मैं आपकी ओर से नहीं कह रहा, मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात 24 घंटे 12 महीने, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 31 दिन, सारी टीम पिछली सरकारों से भी डबल काम हमने किया है, लेकिन किया है कि नहीं किया है, कुछ बातों की जानकारी आपसे लूंगा तब मुझे पता लगेगा कि किया है कि नहीं किया। और बातचीत का दूसरा हिस्सा रहेगा कि आपके गांव के लिए हमने और क्या करना है, आखिर ये काम तो लगातार चलेंगे, अंत कभी नहीं होगा, नए काम आएंगे, नई चीजें खड़ी होंगी, नई जनता आएगी, नए उनकी आवश्यकता जरूरतें होंगी, कुछ पुराने काम हैं उनको ठीक भी करना पड़ेगा, रिपेयर भी करना पड़ेगा, नई जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल गई, जमाना बदल गया, सिस्टम बदल गया, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैं जो हमने किए हैं काम उसमें से कुछ 2-4 बातें मैं पूछता क्या हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे एक प्रश्न के रूप में कि क्या हमने 8 साल में आपके हिसाब से कोई भी एक काम बढ़िया किया है या कुछ नहीं किया। अरे हाथ तो खड़े कर लेते पहले, मुझे ये पता तो लगे कि कितने लोग हैं जो बात बताएंगे, आपने तो सबके मुंह की बात छीन ली। एक एक कर मैं पूछूंगा, अब आप बताओ नौकरी वाली बात। पहले ये नौकरियां नहीं मिलती थी क्या? पहले मिलती थी लेकिन सर मेरिट के आधार पर मिल रही है। पहले क्या करना पड़ता था? पहले पर्ची और खर्ची थी जी। क्या करना, पर्ची खर्ची तो एक शब्द है, करना क्या पड़ता था? पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी, सिफारिश के लिए घूमना पड़ता था। तो सिफारिश और पढ़ाई, बिना पढ़ाई के काम हो जाता था और भी कुछ हो जाता था जी? सिफारिश से ही हो जाता था, बुजुर्गों से सुना सर हो जाता था, लेकिन अब हमने खुद आंखों से देखा मेरे गांव में सिफारिश के अलावा कुछ नहीं। पैसे लगते थे सर? पैसे कितना पैसा देना पड़ता था? इतना सारा देना पड़ता था। अभी भी पिछले 8 साल में किसी की नौकरी लगी हो, किसी रिश्तेदार की या किसी की अपनी लगी है, पड़ोसी की लगी है, यहां बता सकते हैं? इतने सारे लोग, ये जो आप बताओ पीछे, ये लाल को पड़ लीजिए पीछे हाथ खड़ा, हाँ आप खड़े पड़ जाओ। सर मैं एमटेक होल्डर हूँ और मेरे को ग्रुप डी में ज्वाइन करवा दिया, उसके बाद सर मैं इस बात से सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि ओवरऑल सर पिछले 4 सालों से कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, जबकि सीटी है। मैंने कहा जिसकी लगी है वो बताए मुझे, पहले लगने के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे सर। लगने की बात का यह आपकी समस्या है अलग सुनेंगे, जिनकी ठीक ठाक लगी और कुछ नहीं करना पड़ा वो बताओ। अरे माइक दो भाई। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश कुमार है जी, पंचायत समिति मेंबर हूँ और धन्यवाद सर की आप यहाँ पे आए। और मेरा भाई है जी, स्पोर्ट्स में भर्ती हुआ है जी, 4 साल की वेटिंग के बाद भी क्लियर हो गए, हमने तो भेज ही छोड़ दी थी कि नहीं आएगा। अब हो गया जी, कुछ कुछ पैसा वैसा देना लेना नहीं पड़ा। 2 साल से बढ़िया नौकरी कर रहे हैं जी, पलवल के अंदर। पलवल नौकरी कर रहा है, पावल के अंदर ये बड़ी, यानी वेटिंग में 1 साल के बाद उठा के नदी की टोकरी में डालते हैं, लेकिन हमने 2 साल की वेटिंग के बाद भी, 4 साल की वेटिंग के बाद भी उसको नौकरी दे दी है। और किसकी नौकरी मिली हो जो इस प्रकार से? हाँ बताओ। मेरे गांव मरोखा में 32 आदमी इस सरकार में डी ग्रुप में और इंस्पेक्टर से लेके पीएम तक लगे और सारे बिना किसी पैसे दिए और नहीं किया। मेरा गांव मरोखा है जी, कड़ावाली हल्के के तक। मैं बाकियों को तो नहीं बताता, खरे का गांव में मेरी जानकारी में 69 नौकरियां लगी हैं, जिसमें 20 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और 39 जो हैं हरियाणा सरकार की हैं। 69 नौकरी एक गांव में। और अगर मैं पूरे जिले की बात करूं तो 8,500 नौकरियां लगी हैं जिले में, 8,500।
पहले थोड़ा करते थे पीछे पीछे, पैसे लुट जाते थे फिर भी नहीं लगते थे, फिर पीछे पीछे दौड़ते थे मेरे पैसे दिलवाओ जी, पैसे दिलवाओ जी, किस बात के कि मेरी नौकरी नहीं लगी थी। सौदेबाजी भी होती थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।